नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अश्विन कीर्तनिया और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एके सक्सेस में। दोस्तों आज हम एवरेज का पार्ट 4 देखने वाले हैं, जिसमें कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे हम, जो कि एग्जाम में बहुत आते हैं और बहुत सरल है, बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा। तो आप लोग शुरू से अंत तक ये वीडियो देखते रहेगा और जो इस चैनल में पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन दिया है, जिसमें क्या बोला है, कुछ छात्रों का औसत वजन कितना है, 53 kg। यदि अमन, मतलब एक और छात्र ऐड कर रहा है, अमन को ऐड कर रहा है, तो औसत वजन कितना हो जाता है, 54.5 kg हो जाता है। यदि अमन का वजन कितना दिया है यहाँ पे, 114.5 kg हो, तो शुरू में छात्रों की संख्या, मतलब छात्रों की संख्या निकालना है कि स्टार्टिंग में कितने छात्र थे अमन का वजन जो है ऐड करने से पहले। तो हमने पहले माना कि n नंबर ऑफ छात्र थे, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब स्टार्टिंग में कुछ छात्र कितने हैं, n नंबर ऑफ छात्र हैं, और उनका क्या है औसत वजन कितना है, 53 kg। तो इनका हमने मान लिया 53 kg, n नंबर ऑफ, मतलब छात्रों की संख्या n है और उनका औसत वजन कितना केजी है, 53 kg। अब क्या कर रहा है, एक छात्र और ऐड कर रहे हैं, अमन ऐड हो रहा है, मतलब एक छात्र और ऐड कर रहे हैं, तो इसका औसत कितना हो रहा है, 54.5। अब देखिए 54.5 kg हो रहा है। अब इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 1.5 kg, मतलब औसत जो है 1.5 kg बढ़ गया है, और एक छात्र ऐड हुआ है अमन। अमन के ऐड होने से क्या हो रहा है, यहाँ पे औसत वजन बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो अमन है उसका वजन क्या है, ज्यादा है, अमन का वजन ज्यादा है, दिख भी रहा है 114 है, और यहाँ पे कितना है 54.5, मतलब अमन का वजन क्या है औसत से ज्यादा है। तभी क्या करेगा, 54.5, ये अमन इतना किलो तो अपने पास रखेगा ही औसत, और जो बचेगा वो क्या करेगा, एन नंबर ऑफ छात्र में क्या करेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, मतलब उसमें बांट देगा। अब कितना बांटेगा वो देख लेते हैं। देखिए अमन का कितना है, 114.5 है, और इसमें कितना कम करेंगे, किसको घटाएंगे, 54.5, क्योंकि जब अमन के ऐड कर देते हैं तो औसत कितना था, 54.5, मतलब सबका बराबर है, 54.5 ही रहेगा सबका। तो बचा जो अमन का जितना ज्यादा होगा वो क्या करेगा, एन नंबर ऑफ छात्र में इसमें बांट देगा। तो यहां से कितना आ जाएगा, 0.06, मतलब 60 kg, 60 kg जो है अमन का क्या है, ज्यादा है औसत से। तो ये जो 60 kg है ये कहाँ बांटेगा, एन नंबर ऑफ छात्र में, मतलब जो छात्रों की संख्या है अमन के आने से पहले उसमें बांट देगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, तो 60 kg है और कितने छात्रों में बांटेंगे, एन छात्रों में, और इसका औसत कितना है, 1.5, क्योंकि ये जो 1.5 kg ये कहां बटेगा, एन नंबर ऑफ छात्रों में, ठीक है। तो यहां से नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है n वो आ जाएगा, तो n इक्वल टू 60/1.5, यहां से जीरो ऊपर चला गया, 45, 60, 40, मतलब जो छात्रों की संख्या है वो कितना होगा, 40। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि कैसे किया है ये क्वेश्चन। चलिए इसी टाइप के एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। अब दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला है, एन संख्या का औसत 123 है, वैसा ही है जैसे उसमें वजन वाला था, यहाँ पे संख्याओं का औसत बता रहा है और कितना है, 123, और यहाँ पे एक संख्या 501, मतलब 501 और एक संख्या है जो कि शामिल कर लिया गया, तो औसत कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे देखिए 125। तो n का मान ज्ञात कीजिए, मतलब क्या है, पहले कितने संख्या था वो हमें निकालना है, सिंपल सा है। हमने माना पहले कितना था, n है, तो इनका औसत कितना है, पहले कितना है 123, और जब एक और संख्या ऐड करते हैं 501 इसमें ऐड कर देते हैं तो औसत कितना हो जाता है, 125। अब इसमें कितना औसत में कितना वृद्धि हुआ, दो की वृद्धि हुआ औसत में, और यहाँ पे देखते हैं हम कितना, 125 अभी है, और इसमें कितना है, उस जो नंबर शामिल किया गया वो 501 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 501 माइनस 125, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 और 6 होने पे 11, हासिल है 1, 2 और 1 3, 7 होने पे 10, हासिल है 1 और 1 2 3, मतलब 376। ये जो 376 है ये किसमें बटेगा, ये क्योंकि औसत से बाद का जो औसत है उससे ज्यादा है इतना, मतलब जो नया नंबर है उसके पास 376 ज्यादा है। ये 376 कहाँ बांट देगा, जो n नंबर है पहले उनमें बांटेगा, तभी जाके 125 होगा। तो हम क्या करेंगे, 376/n, अब n तो हमें नहीं पता है कितना संख्या है, तो 376/n, तो ये औसत आ जाएगा, औसत कितना है, कितना वृद्धि हुआ, 2 की वृद्धि हुआ,
तो ये दो, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 376 भागे दो, दो एक कम दो, एक दो अट्ठे 16, एक दो अट्ठे 16, मतलब जो नंबर ऑफ इसमें n जो संख्या है वो कितने हैं, 188। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग के समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या देखा है, ये पहले दोनों क्वेश्चन से अलग है। इसमें क्या पूछा है देखिए, 4 वर्ष पूर्व जब पति पत्नी की शादी हुई उनकी औसत उम्र कितनी थी, 21 वर्ष। मतलब क्या हुआ, 4 वर्ष पहले तो कितने पति पत्नी, मतलब दो लोगों का दिया है, पति पत्नी का औसत उम्र कितना है, 21 वर्ष। अब 21 वर्ष कितने वर्ष पहले थे, ये 4 वर्ष पहले की बात है, 4 वर्ष पहले, ठीक है दोस्तों, 4 वर्ष पहले की बात है। यदि वर्तमान देखें, वर्तमान में इन दोनों की औसत उम्र कितना हो जाएगा, वर्तमान में मतलब 21 में 4 और ऐड हो जाएगा प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा, 25 वर्ष, ये औसत है वर्तमान में पति पत्नी का, मतलब इन दोनों का औसत उम्र कितना हो गया, 25 वर्ष। तो दोनों का उम्र कितना हो जाएगा, 25 × 2 तो 50 वर्ष हो जाएगा। यहां तक समझ में आया। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, पति पत्नी एवं इस दौरान पैदा हुए बच्चे का वर्तमान औसत आयु कितना है, 17 वर्ष, ठीक है। मतलब क्या हुआ, एक बच्चा और पैदा हो गया तो उनका औसत उम्र कितना हो गया, 17, मतलब यहां पे कितना हो जाएगा, 17 वर्ष है। और कितने आप कितने पहले दो थे, आप कितने हो गए, 3, तो 3 यहां से कितना हो जाएगा, 51, मतलब जो 51 वर्ष, तीनों का जो टोटल उम्र होगा वो कितना, 51 वर्ष। और इन दोनों का उम्र क्या है वर्तमान में, 50, तो 51 - 50 यहां से कितना है, 1 वर्ष, मतलब बच्चे की जो उम्र है वो कितना है, 1 वर्ष। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों ये पिछला क्वेश्चन जैसा ही है, इसमें देखिए क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व पति पत्नी का औसत उम्र कितना है, 22 वर्ष। मतलब 5 वर्ष पूर्व दो लोगों का, पति पत्नी मतलब दो ही हो गए, ठीक है, तो इनका उम्र कितना है, 5 वर्ष पहले इनका उम्र कितना हो गया, 22 वर्ष, ठीक है। तो वर्तमान में कितना होगा, 5 वर्ष और ऐड कर देंगे दोनों का, वर्तमान में इन दोनों का उम्र कितना हो जाएगा, प्लस 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 27 वर्ष, ठीक है। यहां तक समझ में आया, 5 वर्ष पहले शादी हुई तो उस समय कितना था, 22 था। अब 5 वर्ष बाद करेंगे तो क्या करेंगे, 5 वर्ष और ऐड हो जाएगा, 5 वर्ष ऐड हो गया तो कितना हो गया, 27 वर्ष हो गया। अब क्या बोल रहा है, जब उनकी शादी हुई, अब पति पत्नी एवं उनकी बेटी की वर्तमान औसत आयु 19 वर्ष है। मतलब वर्तमान में आप कितने हो गए, 3 लोग, तो 3 लोगों के औसत आयु कितना हो गया यहाँ पे, 19 × 3, तो यहाँ से टोटल कितने वर्ष हो जाएंगे, 57 हो गया, मतलब 57 वर्ष हो गया। अब पहले कितना था, दो लोगों का औसत आयु कितना था, 27, तो इसका कुल वर्ष कितना हो जाएगा, 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4 और 1 = 5, 54, ठीक है। मतलब 54 वर्ष पहले था दोनों का, जब एक बच्चा पैदा हुआ तो उसका कितना होगा, 57, तो इसमें घटा देंगे तो बच्चे का उम्र आ जाएगा, इसमें घटा दीजिए 3 वर्ष, तो बच्चे का उम्र कितना आ गया, 3 वर्ष। अब यहाँ पे क्या पूछा है, शादी के कितने वर्ष बाद बेटी का जन्म हुआ, मतलब कितने वर्ष बाद बेटी का जन्म हुआ, तो अभी कितना है बेटी का उम्र, 3 वर्ष है, और शादी कितने वर्ष पहले हुआ, 5 वर्ष, तो 5 - 3 तो कितना आ जाएगा, 2 वर्ष। मतलब 2 वर्ष पहले क्या हुआ, यहाँ पे क्या पूछा था, शादी के कितने वर्ष बाद बेटी का जन्म हुआ, मतलब शादी के 2 वर्ष बाद बेटी का जन्म हुआ, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, मतलब यहाँ इसका आंसर क्या होगा, 2 वर्ष, मतलब शादी के 2 वर्ष बाद बेटी का जन्म हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 5वां क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है, 24 छात्र एवं वर्ग शिक्षक का औसत उम्र 16 वर्ष है। मतलब क्या बोल रहा है, 24 छात्र है और उसमें यदि टीचर का भी मतलब शिक्षक का भी उम्र जोड़ दिया जाए तो औसत जो है वो कितना है, 16 वर्ष, ठीक है। यहां तक समझ में आया, यदि शिक्षक का उम्र निकाल दिया जाए तो शिक्षक का उम्र निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 24 बचेगा, तो इसका औसत उम्र 6 महीने कम हो जाती है। यहां पे देखिए, यहां पे क्या बोल रहा है, 6 महीने कम हो जाती है औसत उम्र, 6 महीने कम हो जाती है, कम हो जाएगी शिक्षक का उम्र ज्ञात करना, तो 6 महीने कम हो जाएगा, मतलब कितना, 15 वर्ष, और कितना, 6 महीने कम हो रहा है, 15 वर्ष और 6 महीने रह जाएगी, ठीक है, 6 महीने रह जाएगी, कितने का, 24 का। अब यहाँ पे क्या पूछा है, शिक्षक का उम्र ज्ञात करिए, अब शिक्षक का उम्र ज्ञात करना है तो इन दोनों में देखिए क्या हो रहा है, 6 मंथ का क्या हो रहा है,
कमी हो रहा है, मतलब क्या है, जो टीचर का उम्र है वो क्या है ज्यादा रहा होगा, टीचर का कम उम्र ज्यादा रहा होगा, तो वो जब गया मतलब क्या हुआ, पहले क्या था ज्यादा था तो 24 छात्रों में बांट दिया था जो ज्यादा रहा होगा, उसके बाद जब एक टीचर चला गया तो टीचर जाएगा तो क्या करेगा अपना उम्र साथ में लेके चला जाएगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा इन 24 से भी जितना ज्यादा पहले बांटा था वो भी ले लेगा। अब कितना बांटा था 24 छात्रों में, कितना बांटा था उन्होंने इनटू यहाँ पे कितना 6 महीने कम हो रहा है, मतलब 6 महीने क्या हुआ 24 छात्रों में पहले उन्होंने बांटा था, तो 24 इनटू 6 महीने और 6 महीने को 12 से भाग देंगे तो वर्ष में आ जाएगा 6 × 12 मतलब दो कितना आ जाएगा 12 वर्ष, मतलब 12 जो वर्ष है ये टीचर के पास ज्यादा था, टीचर का उम्र 12 वर्ष ज्यादा था जो कि उन्होंने क्या किया था 24 छात्रों में बांट दिया था, तो टीचर का उम्र क्या हो जाएगा, टीचर का उम्र पहले कितना औसत था यहाँ पे 16 प्लस और टीचर ने कितना बांटा था 12 वर्ष और बांटा था, तो 12 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 × 2 = 8 और 2 मतलब टीचर का जो उम्र है शिक्षक का उम्र वो कितना हो जाएगा 28 वर्ष। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, यदि कुछ समझ में नहीं आता है दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में वो जो भी आपका कंफ्यूजन रहेगा उसको दूर करने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों ये 6ठा क्वेश्चन है, इसमें देखिए ये भी पिछला जैसा ही क्वेश्चन है कि 36 छात्रों एवं वर्ग के शिक्षक का औसत उम्र कितना है 15 वर्ष, मतलब 36 छात्र प्लस एक टीचर का और ऐड कर दिया तो कितना हो गया 15 वर्ष हो गया इनका औसत आयु। अब क्या बोल रहा है शिक्षक की उम्र निकाल दी जाए तो औसत उम्र 3 महीने कम हो जाती है, तो वर्ग शिक्षक का उम्र ज्ञात करना है। अब क्या होगा एक टीचर चला गया, अब इसका उम्र कितना हो गया 3 महीने कम हो गया, मतलब 3 महीने कम हुआ मतलब 14 वर्ष और 9 महीने, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते 12 महीने और कितना कम हुआ 3 महीने कम हुआ, तो यहाँ पे कितना हो गया 14 वर्ष और 9 महीने। अब यहाँ पे भी वही केस है कि टीचर का उम्र क्या है ज्यादा है बच्चों के औसत उम्र से, तभी क्या हुआ जब टीचर जा गया मतलब वो अपना उम्र जो है जितना बांटा था 36 छात्रों में वो अपने साथ लेके गया, और कितना लेके गया यहाँ पे देखिए कितना कि 3 महीना 3 मंथ की कमी हुई, मतलब 3 महीने क्या किया था उन्होंने 36 छात्रों में बांट दिया था, तो 36 × 3 मंथ तो टोटल मंथ आ जाएगा, हमें क्या करना है वर्ष में चाहिए तो 12 से भाग दे दिया 36 मतलब 9 वर्ष क्या किया टीचर ने क्या किया था 9 वर्ष जो है शिक्षक ने 36 छात्रों में बांट दिया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टीचर का उम्र बराबर शिक्षक का उम्र कितना हो जाएगा 15 वर्ष औसत है इसमें प्लस कितना बांटा था 9 वर्ष तो कितना हो जाएगा 24 वर्ष, मतलब शिक्षक का उम्र कितना है 24 वर्ष। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है 20 बाइक का औसत वजन कितना है 210 किलो, 20 बाइक का औसत वजन दिया है 210 kg, ठीक है 210 kg। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है यदि एक पुरानी बाइक बिक गई तो औसत कितना हो गया, एक पुरानी बाइक बिकने से औसत 211 किलो हो जाएगी, ठीक है। अब एक बाइक बिक गया मतलब कितना बचेगा 19 बाइक, और 19 बाइक का औसत कितना हो गया 211 kg, ठीक है 211 kg, मतलब क्या हो रहा है औसत जो है 1 kg क्या हो रहा है बढ़ रहा है, 1 kg बढ़ रहा है मतलब क्या होगा बेची गई बाइक का वजन जो है वो क्या होगा जो पुराना औसत था उससे कम होगा, तभी क्या हुआ जब वो जा रहा है पहले मान लीजिए इसका क्या है जो एक बाइक और बिका है मतलब जो पुरानी बाइक है इसमें से 19 में से एक बिक गया उसका वजन कम था, तो कम था मतलब क्या हुआ जो 19 बाइक पहले से था वो क्या करेगा उसका वजन ज्यादा है तो वो क्या करेगा एक सबको जो जो लास्ट पुरानी बाइक है उसको कुछ केजी दे देगा, और कितना केजी दिया था 1 kg, मतलब 1 kg औसत में क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, मतलब 1 kg क्या किया था वो पुरानी बाइक को पहले बांटा था, लेकिन जब पुरानी बाइक क्या था उसका वजन कम था तो उसको जब निकाल देंगे तो क्या होगा उसने जितना 19 से जितना लिया था ज्यादा वो क्या करेगा वापिस कर देगा 19 को, अब 19 को वापिस करेगा मतलब कितना केजी वापिस करेगा 19 × 1, अब 1 क्यों क्योंकि 1 kg बढ़ रहा है औसत में, तो क्या होगा 1 मतलब कितना केजी वापिस किया उन्होंने 19 kg वापिस किया, 19 kg क्या कर रहा है दोस्तों वापिस कर रहा है, तो जो बाइक बिकी है पुरानी उसका क्या होगा इससे कम होगा 210 से कम, तो 210 से कितना किलो कम होगा 210 से 19 kg कम होगा, तो 9 और 1 होने पे 10 इसलिए 1
एक और एक दो, नौ होने पे 91, मतलब जो 100 और यहाँ पे एक, तो कितना हो जाएगा 191, मतलब 191 केजी। जो पुरानी बाइक बिकी है उसका वजन कितना है 191 केजी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग के समझ में आ गया होगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यदि कुछ डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और दोस्तों यदि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिले। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।